हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन फॉर आवर डिस्कशन ऑन द अपकमिंग डेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम सो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट जो हमारे पास अभी कंसिस्टेंटली uh, आती है स्टूडेंट से कि भाई कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें रिविजिट करने चाहिए लास्ट के कुछ दिनों में uh, तो उसको मद्देनजर रखते हुए uh, हम ये नेक्स्ट फ्यू डेज में इम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक्स जैसे ऑप्टिक्स है थर्मोडाइनमिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बाकी टॉपिक हैं इनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे और हम मेनली जो इम्पोर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द लास्ट कपल ऑफ एग्जाम्स कंडक्टेड बाय जई मेंस तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो इस सीरीज में सबसे पहले चलते हैं थर्मोडायनिक्स में तो थर्मोडायनिक्स में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सब टॉपिक से तो थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी में जो एक क्वेश्चन बार बार देखा जा रहा है वो ये है कि जब वाटर या आइस या वाटर और स्टीम या तीनों का कॉम्बिनेशन जब मिक्स किया जाता है तो उस टाइम पे आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है यूजिंग द नॉलेज दैट हीट बाय द हॉटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द हीट गेन बाय द कूलर uh, मास। uh, अब आगे चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन में uh, आपको जो नॉर्मली इस सिंपल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है uh, जहां पर आपका यूज ऑफ चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू टाइम्स डेल्टा टी ये रिलेशन और सिमिलरली वॉल्यूम uh, के वॉल्यूम का जो रिलेशन है Uh, उसको यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है और ध्यान ये रखना है दी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज थ्री टाइम्स दी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर सॉलिड्स आगे बढ़ते हैं अगर हम देखते हैं हीट uh, ट्रांसफर में uh, अपने रेडिएशन कंडक्शन में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं लास्ट फ्यू सेट ऑफ एग्जाम्स में कंडक्शन uh, में अगर आप Uh, ध्यान देना चाहे तो ध्यान दीजिएगा उस पर जहां पर स्लैब्स को स्लैब्स को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है एंड देन uh, उसका ध्यान इतना रखना है कि इस जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दी स्लैब्स वुड बी इक्वल उसको यूज करते हुए आप अपना अननोन डिटरमाइन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहाँ चलते हैं वहां कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ क्वेश्चन अधिकतर वो आ रहे हैं जब जहां पर गैसेस uh, को गैसेस या तो एट डिफरेंट टेम्परेचर को मिक्स किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है फाइनल हैचर कितना होगा तो अगर इनिशियल टेम्परेचर गिवन है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको गैस के बारे में पता है कि ये मोनोटॉमिक है डायाटॉमिक है तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी जानते हैं और फिर आपको ये देखना है कि जब मिक्स करेंगे तो फाइनली उसका टेम्परेचर क्या होगा अब आगे बढ़ते हैं uh, कारणी तरफ गैसेस में ही मीन फ्री पैथ और मीन कोल्यूशन टाइम को लेके काफी सवाल देखे जा रहे हैं तो बड़े ध्यान दीजिएगा मीन कोल्यूशन टाइम जब निकालें तो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे सो दी द मीन फ्री पैथ डिवाइडेड बाय दी आपका एवरेज स्पीड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एट आर टी पाई एम इसके अलावा सी पी सी वी सी पी सी वी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसको लेके कई सारे सवाल आते हैं तो इसके अपने बेसिक्स को जरूर रिवाइज कर लीजिए समझ लीजिए कि सी वी जब भी किसी गैस के लिए निकालते हैं तो उस गैस के बारे में हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर पता हों तो हम कैसे उसका सी वी निकालेंगे और फिर सी पी कैसे निकालेंगे तो इस पर बड़े गौर से ध्यान से आप उनको रिविजिट फंडामेंटल्स को कर लीजिएगा अब आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ में फर्स्ट लॉ में देखा गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस को लेके सवाल आते हैं तो आप वहां पर जरूर रिवाइज कर लीजिए कि आपके एडियाबेटिक प्रोसेस को लेके वर्क डन कितना होता है आपका पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट उसके जो बाकी जो दो रूप हैं टेम्परेचर वॉल्यूम को लेके या प्रेशर वॉल्यूम को प्रेशर टेम्परेचर को लेके उसके बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके अलावा फर्स्ट लॉ के अंदर Uh, कुछ सवाल आपके फर्स्ट uh, लॉ q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को यूज करते हुए आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आपको कोई स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस गिवन होगा आपको uh, उसका वर्क डन निकालना होगा या फिर आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ uh, कुछ डिटरमाइन uh, करना होगा या हीट एब्जॉर्ब या हीट लॉस के बारे में डिटरमाइन करना होगा और लास्टली uh, कुछ सिंपल सवाल आते हैं

जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप 99% परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आप जरूर जो नीचे लिंक दिया गया है उसमें जाइए बहुत ही टीम ने हमारे आई की टीम ने बहुत ही बारीकी से हर तरीके के सवाल जो पूछे गए हैं उनको डिटरमाइन कर लिया है उनको अलग से ब्रेक कर लिया है तो मेक श्योर दैट यू हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन Uh, 99 percentile. It's very, very important that you cover not only the important one that I covered, but you look at all the other question types as well on this topic. With that, I'll wish you the very best and keep your hopes up and keep working hard. Thanks.